हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे इज रीड चैप्टर 3 गान युद्ध। दिस वीडियो क्लास 8 चैप्टर है 3 गान युद्ध। इसका फर्स्ट पार्ट रीड हो चुका है, आज हम सेकंड पार्ट रीड करेंगे। सब्जेक्ट है हिंदी सेकंड, पेज नंबर 17। प्रस्तुत पाठ में सुदर्शन जी ने तानसेन और वैजू बावरा के बीच हुए गायन मुकाबले का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। इस निबंध में तानसेन अकबर के प्रमुख गायक थे और उनके चहेते भी थे। उनके अभिमान को वैजू बावरा ने न केवल तोड़ा, अपितु गायकों के आगरा की सीमाओं में प्रवेश करने पर लगी रोक को भी हटवा दिया। इसका फर्स्ट पार्ट रीड हो चुका है, आज हम सेकेंड पार्ट रीड करेंगे। साधु मस्त था और सुनने वाले मस्त थे। गाते गाते साधु भी धीरे धीरे चलता जा रहा और श्रोताओं का समुदाय भी पीछे पीछे जा रहा था। मुग्ध जन समुदाय चलता गया, परंतु किसी को पता नहीं कि किधर जा रहे हैं। जब एकाएक गाना बंद हो गया, जादू का असर टूट गया, तब लोगों ने देखा तानसेन के महल के आगे खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले, हाय रे यह कहाँ आ गए। साधु अज्ञान से स्वयं मृत्यु के द्वार आ पहुँचा है। तानसेन बाहर निकला, अपार भीड़ देखकर वह विस्मित हुआ। चकित रहा, विस्मित मीन्स चकित रहा, आश्चर्य में हुआ। फिर बात समझकर बेजू ने बोला, हाँ तुम्हारे सिर पर आज शायद मृत्यु सवार हो रही है। नवयुवक साधु मुस्काया, जी हाँ, मेरी आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करने की अभिलाषा है। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, हाँ आपकी इच्छा पूरी करो। तभी सिपाहियों की हथकड़ियों का ध्यान आया, वे आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। भक्ति का तांता टूट गया, श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई कि कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम लोग दोनों का गान विद्या होगा। यदि तुम हार गए तो तुम्हें मृत्युदंड देने का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और यदि तुमने उसे पराजित किया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। नेक्स्ट पेज आपका है 18। नव युवक साधु ने शर्तें स्वीकार की और सिपाही उसे कारागार में ले गए। वह नव युवक साधु वैजू बावरा ही था। रवि की पहली किरण ने आगरा की जनता को नगर के बाहर भागते हुए देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का कौतुक देखने की आज्ञा दी गई थी। साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल चुकी थी, जो कभी अकबर की भी सवारी देखने को घर से बाहर ना निकले थे, जिन्होंने कभी बड़े बड़े त्योहारों पर भी बाहर आना पसंद ना किया था, आज वे भी नई पगड़ियां घोट घोट कर बांध रहे थे। दस बज गए, लोगों ने दृष्टि ऊपर उठाई। अकबर सिंहासन पर थे, साथ ही नीचे तानसेन बैठा था और सामने फर्श में नव युवक वैजू बावरा था। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ प्रश्न संगीत विद्या के संबंध में वैजू बावरा को से किए।
बेजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां बजाई। मुख से जय हो बलिहारी की ध्वनियां निकलने लगी। बेजू बावरा ने सितार हाथ में लिया और जब उसके तारों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में डूब गई और वृक्षों के पत्ते निश्चल हो गए, वायु रुक गई और सुनने वाले मंत्र मुक्त होकर सिर हिलाने लगे। बैजू बावरा की उंगलियों सितार पर दौड़ रही थी। लोगों ने आश्चर्य से देखा कि हिरन छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा तल्लीन होकर मग्न होकर सितार बजाता रहा। हिरन मस्त थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दिया और अपने कंठ से फूल मालाओं को उतारकर उन्हें पहना दिया। फूलों के स्पर्श से हिरनों की सुधि आई और वे चौकड़ी भरते हुए भागकर वृक्षों में छिप गए। बैजू ने कहा, तानसेन, फूल मालाएं पहने हुए हिरनों को अब यहाँ फिर बुलाएं, तब मैं आपको संगीत विद्या में पूर्ण मानूं। नेक्स्ट पेज 19 है आपका। तानसेन सितार हाथ में लेकर अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसा अच्छा सितार उसने अपने जीवन में कभी नहीं बजाया था। सितार के साथ वह स्वयं सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। बजाते बजाते बहुत समय बीत गया। उसकी उंगलियों दुखने लगी। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हिरन नहीं आया तब तानसेन की आंखों के आगे मृत्यु नाचने लगी। वह पसीना पसीना हो गया और लज्जा से उसका मुख मंडल तमतमा उठा। वह खिसियाना होकर बोला, हे हिरन, तो अकस्मत इधर आ निकले थे? राग का प्रभाव थोड़े ही था, साहस है तो अब दोबारा बुलाओ। बेजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ लिया। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी और फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हिरन बैजू बावरा के पास फिर आए। वे ही हिरन जिनकी ग्रीवाओं में फूल मालाएं पड़ी हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के आकर्षण से आ गए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हिरन कूदते हुए लोप हो गए, अदृश्य हो गए। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। जब उसकी मृत्यु निकट देखी तो कंठ भर आया, लेकिन क्या करते, तानसेन शर्त जो हार गया था। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुनाया गया। बैजू बावरा की विजय और तानसेन की पराजय। तानसेन कांपता हुआ आगे बढ़ा। वह जिसने स्वयं किसी को मृत्यु के घाट उतारते हुए दया नहीं की थी, उस समय दया के लिए प्रार्थना करने लगा। बैजू बावरा ने कहा, जहाँ पनाह, मुझे प्राण लेने की इच्छा नहीं है। आप इस निष्ठुर नियम को हटा दीजिए कि आगरा की सीमाओं के अंदर गाएगा। यदि तानसेन से हार गया तो मरवा दिया जाएगा। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण से खत्म है। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर पड़ा और दीनता से कहने लगा, यह उपकार जीवन भर ना भूलूंगा। बैजू बावरा ने उत्तर दिया, 12 वर्ष पहले की बात है, तुमने मेरे पिता के प्राण लिए थे, यह उसी का बदला है।